राम शरण मेरे भाई, क्या क्या अरमान सजाया था अपने दिल में, क्या सोचा था कि अपने मुझे तो ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। क्या करोगे भैया, हमारे जिगर का टुकड़ा हमें छोड़कर चला गया भैया। एक तरफ हमारी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, एक तरफ हमारा मुन्ना इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस दुनिया में हमें किसके सहारे छोड़कर गया तू मुन्ना? वापस आई है ना तो किसी से कुछ बोलती है, हमेशा तेरा चेहरा उदास रहता है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। क्या अब भी तुझे कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई तकलीफ हो तो अपने भैया से बतला, मैं तेरे लिए दवा लेकर आ जाऊं। भैया जब से अस्पताल से आए भैया हमारी तबीयत ना ही ठीक रहते भैया, अब चक्कर आता भैया। क्या तुझे चक्कर आता है? हाँ भैया, जहर इतना खतरनाक था कि वो पूरी तरह से तेरे शरीर में फैल चुका था। ये तो ऊपर वाले मालिक की कृपा हुई कि डॉक्टरों ने तेरी जान को बचा लिया, और आज मेरी प्यारी बहना मेरी नजरों के सामने है। तू फिक्र मत कर बहन, धीरे धीरे मालिक चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। हाँ मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खा रही हूँ भैया, मैं एकदम भूख प्यास से तड़प रही हूँ भैया। क्या कहा? हाँ भैया, तूने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया है भैया। हे भगवान, आज हमें एक ऐसा दिन दिखला रहे हो मालिक कि मेरी बहन भूखी प्यासी तड़प रही है। रितू भैया तू अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। तू ही बता बहन, मैं तेरे लिए रोटी का इंतजाम कहाँ से करूं? भैया चली जान से लाओ भैया, नहीं हमारी जान चली जाए। ये तो क्या कह रही है? अरे तू हो रही है, अरे ये रमेश कुमार दुनिया का हर काम सह सकता है,
लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तू चिंता मत कर बहन, इसी वक्त मैं जा रहा हूं गांव में बस्ती में भैया बाबू लोगों के सामने अपना हाथ फैलाकर उनसे तेरे लिए रोटी की भिक्षा मांगूंगा बहन। और रोटी लाकर मैं तुझे बहुत जल्द खिलाऊंगा, तू अपना ख्याल रखना। देख रही हूं केरी तू बैठ कर रो रही है, मैं भी पूछती हूं क्या बात है। अरे ओ रितु, रितु क्या बात है मेरी बच्ची, क्या भी नहीं है बोल, क्या रितु क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो रही है बता क्या बात है। भाभी माँ, मैं जब से अस्पताल से आई भाभी माँ मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, मैं 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाई भाभी माँ। ये तुम क्या कह रही है, एकदम भूख प्यास से तड़प रही हूँ भाभी माँ। ये तुम क्या कह रही है रितु, जब से अस्पताल से आई है तब से बीमार है। हाँ भाभी मैं भूख प्यास से तड़प रही है, मुझे मेरे भैया यहीं पर बैठा कर भाभी मैं गांव पे खाना लाने गए भाभी मैं। देख रही तू, तू जरा से भी चिंता मत कर, इसलिए कि तेरी भाभी आ गई है पगली। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूं, ले और खाना खा करके अपनी भूख मिटा ले। मत मेरी बच्ची, चुप हो जा।
भैया अरे इतने दिन इनके साथ रहे, कभो इनके मरा दर्द ना हुआ कि हम खाना लेके अपना ननद के चली जाए। ए भाभी माँ, भाभी माँ क्या हुआ? मैं ये खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि इस खाने पे जहर मिलाया हुआ। रंडियोग सोचत ये कि बड़ी भाभी हैं लेकिन उतना ये हार चाहिए हो मूड़ चढ़ी जाते हैं। नठु लच्छो दो ये नठु लियो हो से में हो जाओ भैंसियो आ नहीं तो कम मारे लागब चाचक मायना सुधार दे बना हार चाहिए। चाचा जी मुझे भाभी से बचा लो नहीं मार डालेंगे। जिंदर भी बात पूछूंगा, मेरी बात का जवाब देना। पूछिए चाचा जी। तुम दोनों काहे को झगड़ा कर रही हो और एक दूसरे के चाल लेने के लिए क्यों तैयार हो? चाचा जी मैं अस्पताल से आई थी चाचा जी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी चाचा जी, मुझे चक्कर आ रहा था चाचा जी। भाभी माँ मुझे खाना लेकर यहाँ पर आई चाचा जी, बोली रितु बिटिया ले खाना खा ले। चाचा मैं वो खाना खाने गई लेकिन खाना खाने से पहले उस खाने पे जहर मिलाया था चाचा जी, इसीलिए मैंने वो खाना नहीं खाया, फेंक दिया चाचा। हे रितु, हाँ क्या कर रही है? उस खाने को मैंने भेजा था। हाँ। उस खाने को मैंने भेजा था, कहा कि ले जाकर के रितु बिटिया को दे, और तू क्या कह रही है उसमें जहर मिला। हाँ चाचा जी, उस पर झूठा लांछा लगा दिया है। मैं सही बोल रहा हूँ चाचा जी। हम सब समझिए चाचा, समझ गई कि अमी तू एक दूसरे में प्यार कर अच्छा हमरे भाव जाए के रख के रंग बाज बना तू का कहे रे? एक दूसरे में प्यार करी थी ये तो प्यार आ रहे हर जाए।
मेरी बात सुन, तुमने क्या कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ चाचा जी। तो करेगी क्या तू? मैं जाकर अपने भैया और अपने भाभी से बता दूंगा। अगर जाकर वो तब तरंगे बताएगी भाइयों से और अपने भाभी से बताएगी। हाँ चाचा। हम दोनों की शिकायत करेगी, बेइज्जती करवाएगी, मरवाएगी, लेकिन बतवाने के पहले ही मैं तेरे साथ करूंगा क्या मालूम? क्या नहीं मालूम? सुन, मार गई हर जाई। शिकायत करेगी, अपने भाइयों से बताएगी, हाँ भाभी से बताएगी। चलो निकलो यहाँ से। चलो छोड़ आ जाएगा तो हम दोनों भागें। चलो चलते भागो। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? हमारी बहन के गले में ये रस्सी लगी है। लगता है किसी ने हमारी रितु की जान लेने की कोशिश किया है। पैसे उठाता हूं, शायद इसके साथ से चलती होगी तो मैं इसे अस्पताल लेकर जाऊंगा। तू ये कैसी बात कर रहा है रमेश कि मैंने अपनी बहन को मार डाला? नहीं रमेश, हमारी बात सुन। Oh,
मैं तो ये सोचा कि किसी ने हमारी बहन को जान से मारने की कोशिश किया है। मैं बहन को जगाओ देखता हूं, अगर इसकी सांस से चलती होगी तो मैं उसे अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैं उसकी रस्सी निकाल रहा था कि इतने में तू आ गया रमेश। हमें कुछ नहीं पता कि हमारी बहन को कौन मार डाला और तू इतना बड़ा इल्जाम अपने भैया के ऊपर लगा रहा है। क्या तुझे ये विश्वास है कि मैं अपनी बहन को मार सकता हूं? विश्वास? अरे खामोश हो जाइए। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई कहा तो अरे आप तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास टूट गया है। मैं समझ गया तुम्हारी चाल को कि तुमने बहन रीतू को क्यों मारा। इसलिए कि तुम दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे लेकिन फिर भी कायदे से चार प्राणियों के लिए शाम को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से हम भाई बहन की पढ़ाई लिखाई हम लोग तुम्हारे सर का बोझा बन गए थे ना। और तुमने यह सोचा होगा कि यह ऋतु धीरे धीरे सयानी होती चली जा रही है। एक न एक दिन इसकी शादी करना पड़ेगा और इस शादी में काफी दहेज लगेगा जो तुम्हारे पास देने के लिए नहीं थे। यही सोच करके तुमने इसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद लाश को गायब करना चाहते थे। अरे कैसे भाई हो तुम? अरे भैया अगर हम भाई बहन तुम्हारे सर का इतना ही बड़ा बोझा बन गए थे तो अब मन मुझसे केवल इतना ही कहते कि रमेश कुमार मैं तुम दोनों भाई बहनों को पढ़ा नहीं सकता, मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूं, तो मैं अपनी मासूम बहन को लेकर साथ में तुम्हारे पास से दूर चला जाता। इस दुनिया में भीख मांग कर हम भाई बहन अपना गुजारा कर लेते लेकिन तुमसे कहने कभी नहीं आते। आखिर क्यों मारा तुमने मेरी बहन को? नहीं रमेश इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर मत लगा। अरे वो तेरी ही बहन नहीं थी, वो हमारी भी बहन। एक बात मेरी कान खोल कर का सुन लो, ये रीतु मेरी बहन है और मैं अपनी बहन की लाश को ले जा रहा हूं शमशान घाट। इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा और भूल कर भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना वरना मैं यह भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ उठ जाए। इसलिए चले जाओ यहां से, मैं ये तुम्हारी मनहूस शक्ल देखा नहीं चाहता हूं। अरे रमेश बहुत अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। इतने दिन के लिए मैं तुझे पाल पास कर बड़ा किया था कि मैं तेरे हाथ को मार खाऊं। तू कह रहा है कि तू भाई बहन हमारे सर पर बोझा बन गए थे, हमारी बहन की शादी हमें करना पड़ता, इसीलिए मैं अपनी बहन को मार डाला। अरे रमेश जरा ये सोच, जब से तू मेरे साथ में आया है क्या मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दिया? क्या मैं तुझे कभी भूखा रखा? मैं खुद भूखा सो जाता था लेकिन कभी तुम दोनों भाई बहन को भूखा नहीं सुनाया। तुमने कभी एक बार भी ये सोचा कि भैया तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, कौन से पैसा पाते हो, क्या
रमेश, रितु खाली तुम्हारी बहन थी लेकिन ये हमारी बहन ही नहीं थी, ये इतनी छोटी सी थी। जब हमारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मैंने अपने इन्हीं हाथों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अपने हाथों से इसे नहलाया करता था, इसे खाना खिलाया करता था, सब दिखाया था। ये हमारी बहन ही नहीं, ये हमारी बेटी है। और तू कह रहा है कि चले जाओ यहां से, नहीं तो भूलकर कहीं आपके ऊपर हमारा हाथ ना उठ जाए। मैं देखना चाहता हूं रमेश कि कौन मुझे अपनी बच्ची की लाश को दफनाने से रोकता है। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कफन दफन करूंगा, मैं अपने रीति को तुझे नहीं ले जाने दूंगा। देखता हूं तू मुझे मांगता है, उठा मेरे ऊपर आ, मार मुझे, देखता हूं तू मुझे कितना मारेगा, मार। मार रमेश, मार मुझे, मार। मैं तेरे हाथों मार खाऊंगा लेकिन अपनी बहन की लाश तुझे नहीं ले जाने दूंगा। मार रमेश मुझे, मार, देखता हूं कितना मारेगा। अरे मालिक, ये सब क्या हो गया? ना जाने कौन मेरा हमारी बहन को जान से मार डाला और हमारा भाई हमें अपनी बहन का कातिल समझता है। मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब रानी सच बोल रही थी, उसने हमारे बच्चे का खून नहीं किया था। न जाने से क्या हो गया, इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैं अपनी देवी जैसी पत्नी को मारकर भगा दिया। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया। अपनी वाली का पता लगाऊंगा, मैं उसकी तलाश करूंगा, उसे ढूंढूंगा, मैं अपनी गलती की माफी उससे जरूर मांगूंगा। हो सकता है कि हमारी रानी हमें माफ कर दे। Yeah.